शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। केसरिया वालम आओ हमारे देश, केसरिया वालम आओ हमारे देश। मन का आंगन सुना सुना देश भयो पर दे, केसरिया वालम आओ हमारे देश, केसरिया वालम आओ हमारे देश। चिवतारे, कोई कठिनाई तो नहीं हुई थाने रास्ते में? मारा बस चलता तो मैं गाड़ी से ही आती, और थारी जीत थी ना हवाई जहाज से बुलाने की। मासा, आप ठाकुर भंवर सिंह की माँ हैं, भाने को भी तो आपकी सेवा का अवसर मिलना चाहिए ना। थारे फैसले के सामने मैंने तभी बोलना छोड़ दियो जब थारे माथे पे पगड़ी रखी गई थी। और तब से आपको कभी ऐसा लगा कि आपके इस बेटे ने कोई गलत फैसला लिया है? बेटा, अगर तुम ही गलत फैसला लेने लगे तो घर के बाकी लोगों से सही फैसले की उम्मीद कैसे रखें? मासा, चेता रे। दादी सा, सदा सुहागन रहो। दादी सा, हाँ? छोरी छोड़, मने छोड़, मने चक्कर आवे हैं, छोड़। जीवती रे। थैंक यू दादी सा। मने किसी ने बताया ही नहीं कि तू पढ़ाई खत्म करके लौट आई है। दादी सा, मुझे भी किसी ने नहीं बताया कि आप आ जाने वाली हो। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अरे पद्मा, तुम्हारी बिन्नी सदा सुहागन रहो, खुश हो। आपका आशीर्वाद रहेगा तो ऐसा ही होगा। तू खुश तो है ना? हाँ दादी सा। दीप कहाँ है? वो दो दिन से। दादी सा, वो दो दिन से फैक्ट्री के काम से घर नहीं आया। और रणवीर, वो भी घर में ना है के? बेटा मुमल, जा रणवीर को बुला ला। रण दे, मैं उस कलाकार की कलाकारी उसी के कमरे में जाकर देखती हूँ। रणवीर, दादी सा, हरी हर मनोकामना पूरी हो रणवीर। कैसी हैं? अच्छी। की बात है रणवीर, के चिंता सता रही है तने? ऐसी कोई बात नहीं दादी साहब, बस मैं वो फैक्ट्री के बारे में सोच रहा था। बेटा, फैक्ट्री के बारे में सोचने के लिए दीप अकेला काफी नहीं है के? बोल, की परेशानी है? बचपन में थारी हर परेशानी थारी ये दादी चुटकी में दूर कर देती थी। याद है दादी से? अच्छी तरह याद है, लेकिन अब मैं अपनी परेशानी बताकर आपको परेशान नहीं करना चाहता। मेरी छोरी, आप ये बताइए कि कहाँ कहाँ के दर्शन किए इस बार आपने? जहाँ जहाँ हमारे परिवार को सुख शांति मिल सकती थी उन सारी जगहों पे माथा टेक कर आई हूँ। घड़ी फुटरी है तो थारी तस्वीर को चेहरा मिल ही गयो। हाँ दादी सा, चेहरा मिला भी और मैंने उसे खो भी दिया। ये बता मने, तूने
उसे कब पाया, कब खो दिया? बस ये समझ लीजिए दादी सा के मैंने उसे सपने में पाया और हकीकत में खो दिया। कान्हा जी की मूर्तियां ले लो, प्यारी प्यारी मूर्तियां, रंग बिरंगी श्याम लल्ला की मूर्तियां ले लो। मौका मिलते ही चीची को बताए बिना भथु काका की दुकान से फोन करती हूँ कुंवर साहब। काय बोले रणवीर? वाह रुक्मिणी मदन सिंह की छोरी है। हाँ दादी सर, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मुझे खुद इस बात का पता उस दिन पुलिस स्टेशन में चला जब वो लोग दीप भाई सा और ताया सा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा रहे। फिर क्या हुआ? चीजी को गहने पसंद करने के बहाने दुकान पे भेजती, फिर नथु काका से कुंवर सा का नंबर लगवाती। रंग बिरंगी श्याम लल्ला की मूर्तियां ले लो। चीजी आप और घीसू जाके उस दुकान में सस्ते गहने पसंद कर लो, मैं बेचती हूँ तब तक। घीसू तू जा जीजी के साथ, वहाँ पे तो लड़कियों वाला सामान मिलता है, मैं क्यों जाऊँ? घीसू क्या है? कुछ नहीं। तो मैंने आँख क्यों दिखा रही थी? मारी आँखें फड़क रही है। कितने की है मूर्तियाँ? 25 की एक। मैंने खुद जाके रुक्मी का दिल तोड़ दिया था दीसा, क्योंकि मैं ताया सा को नाराज नहीं करना चाहता। अब आप ही बताइए दादी सा, मैं क्या करूं? तू ब्याह करना चाहता है उससे? मैं कोशिश करके देखती हूं, बात करूंगी बाबर से। सच दादी सा, आप बात करेंगे उनसे? पिछले 5 मिनट से आप बिल्कुल चुप बैठी हैं मासा, कुछ कहना है तो कह दो मासा। नहीं, पहले तुम अपना काम खत्म कर लो फिर कहती हूँ। लो खत्म हो गया हमारा काम, अब बोलिए जो बोलना है, पर बोलने से पहले मारी एक बात सुन लीजिए। मदन सिंह की छोरी से इस घर का रिश्ता नहीं हो सके। इसके अलावा और कुछ कहना है आपको मारे से? तूने मारी बात सुनी को नहीं और अपना फैसला भी सुना दिया। रणवीर से मिलने के बाद आपके सवाल को ना समझ सकूं, ऐसा कैसा हो सकती है मासा? बड़ों को छोटों की खुशी की परवाह होनी चाहिए। अपनी मान मर्यादा को ताक पर रखकर? नहीं मासा, नहीं। रिश्ते जुड़ने से मान मर्यादा और बड़े हैं भवन। वहां रिश्ता कैसे जुड़ सकता है जहां 18 साल से दुश्मनी चली आ रही है? दुश्मनी? और वो भी 15-20 बीघा जमीन वास्ते? आप समझ नहीं रही है मासा, उस मदन सिंह ने रणवीर का इस्तेमाल किया है अपनी छोरी को आगे करके। भंवर, रणवीर प्यार करे हैं उस छोरी से। बकवास है मासा, शादी ब्याह जिंदगी भर का सवाल हुए है मासा, और आप ये मत समझना कि मैंने रणवीर के हाथ से कोई खिलौना छीन लिया है और आप उसकी तरफ से पैरवी करते रही। तो तुम अपने फैसले को सही मानते हो? बिल्कुल, माफी चाहता हूं, मैंने बहुत काम करना है। अरे जीजी बस 3 मूर्तियां बची, चलो उठो और जाकर अपने वास्ते जो खरीदो खरीद लो, मैं बैठी हूँ यहाँ। कहा ना मन ने कुछ ना खरीदना है। मतलब आज भी मन ने माँ से डांट पड़वाओगी कि मैंने तुम्हें कुछ खरीदे ना दियो? मैं बोल दूंगी माँ से। तो ये भी बोल दो कि घीसू कहीं खो गया है। क्या बोल रही है तू? अरे जा जाके ढूंढ उसे। सब जगह देख लिया है मैंने, कहीं ना है वो, और मैं नहीं जाने वाली उसे ढूंढने। ठीक है तू बैठ यहाँ, मैं उसे देख कर आती हूँ। जल्दी आना। हाँ नटू काका
जरा रणवीर कुंवर सा का फोन नंबर लगा के देना, जरूरी बात करनी है। हाँ। नथु काका, कहीं ये फोन रुक्मी ने तो नहीं किया? क्या करूं? बोलो रुक्मी। कुंवर साहब, मैं रसाल हूं। रुक्मी जी एक पितुर के साथ ब्याह करने जा रही है, जिनकी उम्र हमारे बापू से भी ज्यादा है। क्या? लेकिन क्यों? कुंवर साहब, चीजें जिद कर बैठी है, वो हमारा ब्याह हो जाए इस वास्ते खुद को उस पितर के साथ बांधने जा रही है। और ये सब कुंवर साहब आपकी वजह से हो रहा है। कुंवर साहब, आपकी दुश्मनी हमारे बापू के साथ है, तो के इसी की सजा आप जीजी को दे रहे हो? नहीं रसाल, ये सच नहीं है। तो फिर रोको जीजी को। कुंवर साहब, एक बार जीजी से मिलके कह दीजिए जो कि आपसे नाराज होकर वो कोई गलत फैसला ना। हाँ ठीक है, तो बोलो कहाँ मिल सकते हैं? मैं एक घंटे में जीजी को शिव मंदिर में लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। लेकिन मुझे कहना कि नटू काका। हेलो हेलो, चल रसाल, सारी मूर्तियां बिक गईं। चलो जीजी, अपने लिए कुछ खरीद लो, माँ ने कहा है। मन ने कुछ ना खरीदना है। अरे जीजी, कम से कम लाल चूड़ियां तो खरीद लो, ब्याह के लिए जरूरी है। जिनसे मारा ब्याह होना है वो शगुन पे सब कुछ दे तो गए, मरने अलग से खरीदने की क्या जरूरत है? जीजी, के ब्याह से पहले आप मारी एक बात भी नहीं मानोगी? जीजी, रसाल जीजी कह रही है तो फिर मान लो ना। मैंने कहा ना घीसू, कुछ ना खरीदना है मरने। इसका मतलब आप हमसे नाराज होकर अपना ब्याह करवा रही हैं? चल ठीक है, खरीद लेती हूँ लाल चुनरी। और माई तरफ से आपकी एक लाल चुनरी भी। चल तू ही पसंद कर ले, आ जा। क्या बताती सर? मैं भवर को मना ना सकी बेटा। दादी साहब, मैं जा रहा हूँ। कहाँ रणवीर? वो रुक्मी, वो मुझसे इतनी नाराज है कि उसकी सजा खुद को दे रही। एक विदुर से, जो कि उसके पिताजी से भी ज्यादा उम्र का है, उससे शादी करने जा रही। तू क्या करेगा जाके रणवीर बेटा? मैं रुकूंगा उसे दादी से, समझाऊंगा उसे। फिर भी ना मानी तो मैं उससे शादी करूंगा, लेकिन इस तरह उसे अपने प्यार का बलिदान नहीं देने दूंगा। पहली बार थारी आवाज में राजपूत का खून दौड़ता देखते ही इतिहास गवा है बेटा। प्यार में किसी की परवाह नहीं, नया इतिहास खुद लिखा है। जावे अपने दिल की कर, बाकी सब छोड़। जी दादी सर। कुंवर साहब जरूर आएंगे शिव मंदिर में, पर जीजी को के बहाना करके ले जाऊंगा? अब तो तुम दोनों की बात मान ली ना मैंने, तो तुम दोनों हमारे से बात क्यों नहीं कर रहे हो? जीजी, मैं के बोलूं? बोलना के है, ला वो चूड़िया और चुनरी वाला थैला दे, मैं और जीजी शिव मंदिर में माथा टेक कर आते। ठीक है, मैं जाता हूँ। रुक, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। जीजी, आपने भी कभी वर मांगा था शिवजी से, आप ना चालोगी? मारा वर तो मिल गया है ना मुझे। जीजी, अने मारा मनचाहा वर मिल रहा है, के मारे खातिर पण आप ना चालोगी? ठीक है,
अब घीसू के साथ घर जाओ। मैं आपकी चूड़ियां और चुंदरी मंदिर में पूछ कर लाती। रुक रसाल, मैं भी थारे साथ चलती हूँ थारी खुशी की दुआ मांगने। घीसू तू ये टोकरी लेकर घर जाओ, जल्दी आना। ठीक है? ठीक है। आज मारी जीजी का सपना पूरा कर दो शिवजी महाराज। कभी आपसे किसी और को मांगा था, शायद वो हमारी भूल थी। मैंने ऐसा वर मांगा था जो मन में मिल ही नहीं सकता। आज आप जो मरने दे रहे हो उसी में खुश रहूंगी। शिवजी महाराज, जीजी के वास्ते हमारी तरफ से ये आखिरी कोशिश है। कुंवर साहब को भेज दो। चल, हो गई थारी प्रार्थना। जीजी अभी हमारी आखिरी प्रार्थना बाकी। मैंने थारे वास्ते छिड़के नाम की चुनरी और चूड़िया ली हैं। उसे शिवजी महाराज ने छुड़े तो दो। किनके नाम की? जो जिनको मारी जीजी जी जान से ज्यादा चाहते। रणवीर कुंवर साहब के नाम की। पावड़ी हो गई है के? तू जाने है ना हमारा रिश्ता हो गया है। ना जीजी, वो रिश्ता ना है, वो सौदा हुआ है। आपका रिश्ता रणवीर कुंवर साहब के साथ ही होगा, वो भी आज इसी जगह। जीजी वो आपको लेने आ रहे हैं। पंडित जी, तुम्हारा दिल तोड़कर मैं भी टूट गया था। बहुत सोचा मैंने, लेकिन अब इस छूटी आन पान और शान के लिए मैं अपने प्यार का बलिदान नहीं दूंगा। चलो मेरे साथ रुक। कहाँ? हम लोग अभी और इसी वक्त इस मंदिर में शादी करेंगे। चल। पर कैसे हो सके है कुंवर साहब? आपको अभी भी एक सच्चाई बतानी बाकी है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, अब इससे बड़ी सच्चाई क्या होगी? और फिर शिवजी महाराज भी हमारे साथ हैं, वरना इस तरह हमें अपने आंगन में कभी नहीं मिला था। और साहब जी, आपके नाम की चुनरी और चूड़िया महाराज का आशीर्वाद है इनके साथ। हमारी जीजी को हमेशा खुश रखना। रसाल, रुक्मी। मन्ने आपने कुछ बताना है। तो बताओ। रणवीर,